अंबानी नहीं करेगा तो कौन करेगा यू नो दे कैन ओनली डू दैट आई मीन इट्स इट वॉज क्रेजी इट वॉज वंडरफुल सो नाइस टू सी सब बॉलीवुड वाले वहीं पे हैं यू कॉन्ट इमेजिन शाहरुख सलमान आमिर खान साथ में डांस कर रहे हैं विद वि अक्षय कुमार तो अगर हम पेरेंट्स का सुनेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता खुल जाएगा बैडमिंटन नहीं तो हॉकी सही हॉकी नहीं तो यू you नो know, रेसलिंग सही कोई ना कोई स्पोर्ट्स पे तो ट्राई करना चाहिए और उनकी एडवाइस जरूर सुननी चाहिए क्योंकि दे आर राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेकिन एक चीज़ दिमाग में जरूर रहती थी जब मैं पापा के हाथ स्कूटर पर जाती थी काश मेरा भी बड़ा घर हो मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो मेरे पास भी सब कुछ हो जो नॉर्मली एक यू नो फेमस पर्सन के पास होता है बिलीव रखिए सपने जरूर देखिए क्योंकि पॉसिबल होते हैं

सबके वीडियोस देखता था सब मुझे ऐसा बनना है मुझे तोफी हिदायत जैसा बनना है मुझे ये वो तो इतने आ, इतना उसको नॉलेज था स्पोर्ट के बारे में तो वी शुड डिस्कस अ लॉट अबाउट इट एंड ऐसा और कोई दूसरा प्लेयर नहीं था जिसके साथ मैं इतना डिस्कस कर सकू क्योंकि अः वो लोग जैसे मैंने बताया ना इतने सीरियस नहीं थे उनको लगता था कि मैं अब इंजीनियरिंग करूंगा जाके गेम उतना पॉपुलर नहीं था पैसा कुछ नहीं था फाइनेंशियल कुछ भी नहीं था सपोर्ट इसमें इस गेम में तो किसी को लगा नहीं था कि हम हाईएस्ट लेवल पे इस गेम में जा सकते हैं तब सोचते थे कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट हम चले जाएंगे मतलब अपना एम पी सी या बाईपीसी कर लेंगे you know, कि इस गेम को हम आगे आगे तक लेके जाएंगे तो ओनली मी कश्यप एंड वन टू प्लेयर्स मोर यू शू टॉक अबाउट द गेम और कैसे ट्रेनिंग करना है और कितना पुश करना है एंड हम दोनों की लाइफ में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आने लगे बहुत जल्दी आने लगे आई वॉज ओनली फोर्टीन एंड यू वॉज सेन जब हमें सीनियर uh, ट्रिप्स मिलने लगे I think उसकी वजह से बिकॉज हम जब सीनियर ट्रिप साथ में जाने लगे, और डिस्कशन हम कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रेंडशिप क्लोज ज्यादा हो गए बट यू नो फर्स्ट हम दोनों के माइंड में पहले बैडमिंटन ही था बाकी कुछ तो हम सोचते नहीं थे ज्यादा वो तो लेटर मे बी शादी भी हमने काफी लेट करी ऐसा नहीं, नहीं वस 28, वस थर्टी वन तो हमने जल्दी भी हमने कुछ किया नहीं हमने करियर का पूरा फोकस करना है अच्छा रिजल्ट्स लेके आने अच्छा करना है हमें एंड ऑलवेज uh, हमारे जो बातें होती थी बहुत पॉजिटिव होती थी गेम uh, तो हमें ऐसा कुछ uh, जो कनेक्शन हुआ ना इसी की वजह से हुआ एंड वी ए प्लेयर आपके पास कुछ टाइम होता ही नहीं है कि आप बाहर जाके दोस्त बनाइए कहाँ है टाइम फुल टाइम योर ऑन द कोर्ट एंड टाइम मिलता है संडे को आर डेड टायर्ड अब कोई बोलता है मूवी चलो यार थके हुए हैं या शॉपिंग शॉपिंग थोड़ा बहुत फिर चलना है वो भी नहीं होता है वो भी कुछ ऑनलाइन कर लेते बट हार्डली एनी टाइम जब आप बाहर कहीं जाके किसी से हाई हेलो कर सको तो आई थिंक वो भी एक सिचुएशन था कि हम एक दूसरे से ही थे यहाँ पे <laughs> तो इसलिए ऐसा दोस्ती ज्यादा बढ़ गई एंड

वो ऐसे भी समझ जाता है क्या है मेरा सिचुएशन तो ऐसे ही चाहिए इसीलिए सर यही चाहिए क्योंकि आपको आई फील इन इन वे अगर आप एक रिलेशनशिप uh, को सीरियस भी बनाना चाहते हैं तो ऐसा कोई पार्टनर हो जो आपको बिना बोले ही काफी हद तक समझ जाए कि क्या चल रहा है ऑब्वियसली फ्रेंड होना चाहिए फर्स्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं स्टक हैं तो आप शादी के बाद भी ऐसे ही सिचुएशन में रहे जैसे आप अपने घर में थे उतना ही कंफर्टेबल फीलिंग हो तो ही आई थिंक अच्छा, अच्छा लगता तो है फॉर मी आई फील तो ऐसा मुझे लगा शादी इसके के बाद कुछ चेंज हुआ जो पहले की फ्रेंडशिप थी और रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आते हैं मतलब उतना कुछ अब इजी है और भी मतलब पहले थोड़ा डिफिकल्ट होता था क्योंकि अलग रहते थे तो आ, कह, कभी मिलके बात करना ये वो अच्छा लगता था बट अब क्या है साथ में है तो मतलब आ, और इजी है आप यू कैन डिस्कस टू कोचिंग ऑल्सो फिर से बैडमिंटन है हमारे लाइफ में बैडमिंटन ही रहता है मोस्टली तो so, <laughs> और और कुछ बात हमने कभी करनी सीखी नहीं है तो so, कहीं ना कहीं से बैडमिंटन ही बीच में आ जाता है या कभी कभी मैं उसको इंसिस्ट uh, कर लेती हूँ चल आ कहीं घूमने चलते हैं या वो वो भी उसके माइंड में नहीं रहता है बिकॉज इज थिंकिंग अबाउट कैसे आप मुझे अपने प्लेयर्स को अच्छा बनाना है

<laughs> मैं ही मैं ही और कौन? क्योंकि आप बोलते थोड़ा कभी कभी खाली दिमाग शैतान जाचिंग तो करने लग गया है तो थो थोड़ा right. बिजी ज्यादा है और मैं काफी हद तक जो मोटिवेशनल टॉक्स है मेरे जो इवेंट्स है आ, मेरे एक ग्रुप है बैडमिंटन प्रोज उनके साथ हूँ मैं उनके काफी अकेडमीज खुल रहे हैं और आ, मैं उनमें काफी बिजी रहती हूँ बट काफी दूसरे टाइम में जब मैं खाली रहती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा यूनिक हो ऑबली बिकॉज Good in singing. उसने कभी गाना मैंनेरिजीत सिंह बट ट्राई नो थोड़ा बहुत तो जस्ट फॉर टाइम पास थोड़ी ना मुझे करियर लेना है उसको तो मैं वो ट्राई करती हूँ उसके साथ कभी कभी डांस का कुछ वीडियो कर लेते हैं ऐसे टाइम पास एंड बाकी टाइम तो ट्रिप में जो भी हम थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वहां पे कर लेते तो हैं आप ही क्या आइडिया रहते हैं सारे जो भी रील्स ऐसे थोड़े से जो होते हैं ना आउटपटांग से वो मेरे ही होंगे देखिये so, अभी क्या मिस करते हो हो? ट्रेनिंग के दिन या फिर अभी चील अभी बिल्कुल मोड में देखिए सर इतने साल से मैं खेल चुकी हूँ जो अभी पांच से, तो नहीं कर रही हूँ नी को रेस्ट मिला है मुझे arthritis, arthritis हो गया था क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि आप इतने साल से जब खेलते हैं तो आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग है बट मैंने रियलाइज नहीं किया वो इतने साल खेल खेल के घिस जाता है तो दैट ऑल्सो डॉक्टर एक्सप्लेन टू मी कि आपका जो है वो घिस गया है डी हो गया है आपको और अब आप, आप जितना भी बॉडी को पुश करेंगे तो वो स्वेलिंग दिखाएगा नहीं एंड आई ट लॉड ऑफ इंजेक्शन ऑल्सो के उसको वो क्वेश्चन मिल जाए हर एक इंजेक्शन होता है जो हेल्प करता है आपको क्वेश्चन देने के लिए वो भी मैंने ट्राई की ऑलमोस्ट टेन फिफ्टीन इंजेक्शन लिए होंगे मैंने तो मुझे ना वो इंजेक्शन भी दर्द करने लगे बिकॉज आपको वो नी ज्वाइंट पर लेने पड़ते हैं तो अब मुझे लगा इट्स टू मच एंड स्वेलिंग इज शोइंग अगेन एंड अगेन तो आई थिंक नाउ इज द टाइम दैट यू you नो know, थोड़ा सा मैं नी को रेस्ट दूँ क्योंकि इतना पुश करने के बाद इतनी बड़ी हो जा रही है नी और रात में मुझे नींद नहीं आ रहा है मसाज हेल्प नहीं कर रहा है पूरा दिन मैं अगर आइसिंग करती रहूँगी तो ट्रेनिंग कब करूंगी सो दीज आर द थिंग्स यू नो वैन द अपोनेंट इज़ ट्रेनिंग सो हार्ड एंड यू आर ओनली पुटिंग आइस एंड ट्राइंग टू मेक इट रिकवर ऐसा चलेगा नहीं तो ये। मैंने बैठ के बहुत आ, सोचा इस बारे में अगेन आई स्पोक टू सम ऑफ द डॉक्टर्स एंड देवर लाइक देखो ऑपरेशन तो हेल्प होगा नहीं इस सिचुएशन को आपने इतने साल जो नी को तोड़ा है दैट हैव टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड अभी वो दिखा रहा है तो नाउ आई थिंक आपको या तो एक दो घंटे से अगर ट्रेनिंग कर सकते हैं तो वो ट्राई कीजिए नहीं तो टेक अ कॉल आप आप फाइनली आप बेटर जज आप हैं आपके लिए तो मैं वही थोड़ा सा से दुख होता है वैन यू हैव प्लेड सो हैनी ईयर्स यू हैव प्लेड सो वेल टेन ईयर्स से आई वॉज इन टॉप टेन टेन एलेवन ईयर से आई वॉज इन टॉप टेन

अभी तो नहीं मे बी जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हो जाऊंगी इट विल शो बैडली मे बी मैं स्टेप्स ना चढ़ पाऊँ ना नीचे आ पाऊँ मे बी मैं ऐसा नॉर्मली जैसे बैठते हैं ना बैठ पाऊँ तो मुझे लगने लगा है कि शायद नी वो सिचुएशन पे और बुरी सिचुएशन पे ना चली जाए तो मुझे पहले अब एक बार अपने नी के बारे में सोच लेना चाहिए क्योंकि मैंने इतने दिन नहीं सोचा है बॉडी के बारे में इट तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा एंड या डॉक्टर से डिसीजंस भी लिए हैं

सो so, अभी मैं आप लोगों के काफी रील्स देख रहा था आप जब जामनगर uh, गए थे गए थे सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड काफी रील्स आप डाल रहे थे वहां से यस yes, इज yes. मुझे लगता है अगर अंबानी नहीं करेगा तो कौन करेगा यू नो दे कैन ओनली डू दैट आई मीन इट्स इट वाज क्रेजी इट वाज वंडरफुल सो नाइस टू सी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट दें एंड कभी ऐसे uh, चीज़ें मतलब नॉर्मली आपके पास टाइम नहीं है ना करने के लिए देखने के लिए जो आपको सडनली दिखता है मतलब हाउ दे डू इट लाइक इन सच अ ग्रैंड स्टाइल सब बॉलीवुड वाले वही पे हैं यू कंट इमेजिन शाहरुख सलमान आमिर खान साथ में डांस कर रहे हैं अक्षय कुमार तो मतलब ये सब कुछ अनरियल हो रहा था वहां पे एंड देन यू सी द बेस्ट ऑफ द सिंगर्स सिंगिंग देयर इन द नाइट एंड लॉट ऑफ गुड पार्टीज एंड देन कुछ ऐसे मैजिक शोज भी हुए जो हम यूट्यूब पे देखते हैं तो मतलब ऐसी चीजें जो आप जस्ट मतलब यूट्यूब पे, पे देख के छोड़ देते हैं बट यू आर एक्चुअली इट इन रियल ना एंड द वे दे कंडक्टेड द इवेंट फॉर थ्री डेज सच नाइस स्टे एवरीथिंग वॉज सो फंटेस्टिक आपको कुछ चिंता की जरूरत नहीं है एवरीथिंग वॉज टेकन केयर ऑफ वेरी वेल आपको बस अपना फेस दिखाना है वहाँ पे एंड यू आर सीइंग दोज थिंग्स हैपनिंग ऑब्वियसली दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक क्रेजी बिकॉज द होल फैमिलीज ऑन स्टेज दे आर ऑल्सो वॉन्टिंग टू डांस मतलब अच्छा लगता है बट बट द वे दे हेल्ड इट ओनली दे कैन डू इट नो इट वॉज अमेजिंग ब्यूटिफुल आपके फेवरेट शाहरुख खान है जहाँ तक मेरा ख्याल है फेवरेट right. है मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं एक्चुअली जो 90s की उनकी काफी मूवी है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे तो आई थिंक आई बिकेम अ फैन ऑफ हिज आफ्टर बाजीगर एंड डीडीएलजे एंड एक और दिल तो पागल है जी दीस मूवीज वर वेरी वेरी गुड यार

बट ही सीज की शायद मुझसे वो गलती हुई हो मैंने वो करेक्ट नहीं किया हो आमिर कीप संग मुझे टेनिस प्लेयर बनना था मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी <laughs> तो उनको तो स्पोर्ट्स में आने का बहुत इंटरेस्ट था बट शाहरुख इज मोर लाइक मुझे यू uh, नो you know, आपको फील कराएंगे कि वो कितने डिफिकल्ट सिचुएशन uh, से एक बड़े एक्टर बने हैं उनके पास बेसिकली कुछ भी नहीं था एंड देन हाउ मच हार्डवर्क इज डू बी अवेयर ही इज

एक्टिंग स्पोर्ट्स पर्सन ये तो सब आपके मेहनत से आप बन ही जाते हैं वो तो आप बन जाएंगे आपकी किस्मत है तो आप एक्सटर्नल ले, लेवल पे भी चले जाएंगे बट इंसान वही अच्छा होता है जो आप ये ना भूले कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं और कितना अच्छा आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं आई थिंक दे विन योर हार्ट तो ऐसे लोग हैं ये शाहरुख और आमिर के वो दिल ऐसे जीत लेते हैं मोर देन दे मूवीज आई थिंक जैसे वो बात करते हैं और जैसे उनका एटीट्यूड है लोगों के साथ इसलिए आई थिंक उन्होंने लोगों का दिल और ऐसे जीता हुआ है काइंड kind, काइंडनेस अपने अंदर रखनी चाहिए आई थिंक दैट फाइनली ये सब कब तक है आपके साथ यू नो मैं भी बचपन में मुझे भी लगता था और चाहिए और चाहिए बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड सी ये तो कुछ ही टाइम के लिए है ना आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप uh, हो या ना हो नो बड़ी बट जितना भी आप लोगों को हेल्प कर सको जितना भी डोनेट कर सको बिकॉज मुझे मैं बहुत डोनेट करती हूँ मुझे अच्छा लगता है डोनेट करना एंड करना चाहिए यू नो फाइनली कहां लेके जाएंगे आप ये सब अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो आई एम सेइंग सींगट एक्स्ट्रा नहीं है तो यू विल हैव टू फर्स्ट मेक मनी फॉर यूर सेल्फ योर लाइफ जितना भी कर सके बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा है आप तो जितना दे सके उतना बेटर है क्योंकि कितने लोगों को नीड भी होगा राइट आई फील दैट इतने सारे प्लेयर्स है जो बनना चाहते हैं चैंपियंस आई आई फील एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मैं कुछ ऐसा भी कर सकूं कि उन प्लेयर्स को भी मैं हेल्प कर सकूं। Right. कि जिनके पास पैसे नहीं है क्या पता हो और उसको चांस नहीं मिल रहा हो बट नाउटी टू गवर्नमेंट जो स्पॉन्सरशिप हैं इतने सारे हैं जो हेल्प कर रहे करियर तो, तो आपके टाइम पे जो स्थितियां थी अब जो है क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हो की ओलम्पिक गोल्ड क्वेस्ट गो uh, स्पोर्ट्स विराट कोहली का फाउंडेशन है रिलायंस फाउंडेशन है इतने सारे आ गए हैं जो हर एक आ, जो यंग बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के काफ़ी स्कीम्स है टॉप स्कीम है फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी हेल्प कर रही है बच्चों खेलो इंडिया है फिर अपने आ, जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो आके भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं एंड बच्चों को बेसिकली आई कैन से नाउ दैट दे कैन थिंक स्पोर्ट्स इज करियर उस टाइम पे ऑब्वियसली नहीं था उस टाइम पे मैं मना भी नहीं करूंगी जिसको अगर निकलना हो और जाके पढ़ाई करनी बट अब मैं ये बोलूंगी कि अगर जो बच्चा टैलेंटेड है हार्ड वर्किंग है उसे रहना ही चाहिए स्पोर्ट्स में ड्राइंग बहुत ड्राॅंग बिकॉज उनको डेफिनेटली मिलेगा और पॉसिबल है क्योंकि काफी चांसेस हैं और काफी आपको जब सपोर्ट इतना अच्छा है देन आई थिंक डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट टेकिंग द रिस्क तो रिस्क तो हर एक चीज में है वेदर इट इज बैडमिंटन और वेदर इट इज पढ़ाई या किसी चीज में Acting भी, भी तो 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 ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ट्राई तो, तो जरूर डेफिनेट ट्राई तो जरूर करना है और वो पेरेंट्स से ही आएगा पेरेंट्स शुड डेफिनेटली हेल्प द किड इनिशियली के उसके माइंड में डालो कि उसे कुछ करना है बनना है आई नो इट्स लिटल हार्स टू से क्या हम पेरेंट्स की पिटाई खा ले क्या उनका गुस्सा बट अगर आपने नहीं, नहीं लिया वो थोड़ा बहुत क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से ही वो बोल रहे होंगे वो ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपको कुछ अच्छा बनाने के लिए नाउ वेन आई इफ आई आई वॉज एट और नाइन टूडे मैं भी लड़ूंगी मेरे पेरेंट्स के साथ क्यों मुझे गाली दे रहे हो क्यों मुझे आप पुष कर रहे हो स्पोर्ट में मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है बट hmm. आज आज मैं आई एम साइना राइट कुछ किया है मैंने अपने लाइफ में kids, uh, अपने फ्यूचर देख सकते हैं मतलब क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सोचा नहीं था कि आ, मेरे पास तो कोई लिंडन तोहफे हिदायत नहीं था कि इसको लिंडन की तरह बनाना है तोहफे की तरह बट वन बनाना है

एक दो पर्सेंट थोड़ा गुस्सा कर देते होंगे बट आई नो कि कहां पे वो आपको लेके जा रहे हैं और आप अब मैं अगर इधर बैठी हूँ तो क्यों बैठी हूँ क्योंकि पापा वो वो जो पैसे उन्होंने अपने फ्रेंड से लिए बैंक लोन जो लिया वो भी छूटी जा सकते थे वाइफ के साथ वो भी कितना कर सकते थे के लिए वो टाइम पे कहीं नहीं घूमे हैं पापा उन्होंने सिर्फ मेरे पे लगा दिया मेरी बहन पे लगा दिया आप जाके जब वो मेरे साथ कहीं ना कहीं घूमते ही फील सो प्राउड आई नो बट वो अपने लिए भी कर सकते थे ना वो थोड़ा सा अगर पेरेंट्स सेल्फिश होते तो अपने लिए भी कर लेते बट उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा एंड अगर वो ये नहीं करते मेरे लिए तो आज मैं ये भी नहीं होती एक फादर और मदर का सपोर्ट अगर आ जाता है तो तो life लगता है तो लाइफ इजी इजी यस मैं बोलूं डेफिनेटली नहीं तो आप स्ट्रगल करते हैं मुझसे पूछते हैं काफी बच्चे मैंने गो फॉर मोटिवेशनल टॉक्स दे आस्क मी दीदी मैं दो बार फेल हो गया मैं मुझे लास्ट में जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आई थिंक मुझसे पूछ रहे हैं वो मैं ऑब्बियसली उनको आंसर दूंगी कि आप डरिए मत आप कॉन्फिडेंस रखिए बट आई थिंक फर्स्ट आंसर उनको अपने माँ बाप से भी मिल जाएगा उनसे बात करेंगे तो सिचुएशन ये है ना कि आजकल बैठ के बात नहीं कर रहे हैं बच्चे थोड़ा लगता है कि हम क्यों पूछे उनसे हम जाके खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं बट आई थिंक पहले कुछ टाइम अपने पेरेंट्स को दीजिए उनसे सुनिए उनके एक्सपीरियंस सुनिए अब लेना नहीं लेना ऑब्वियसली उनके ऊपर है मैं उनको कुछ दबाव डाल नहीं सकती हूँ बट मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि आपको सही रास्ता जरूर वो वही है जो फर्स्ट दिखाएंगे उसके बाद आपके टीचर जो कोचेज तो तो uh, like uh, जो uh, नए बच्चे तैयार हो रहे हैं किसी भी स्पोर्ट्स में आपके स्पोर्ट्स में अगर दो तीन लेसन उनको दे सके स्पेशली अपनी इनिशियल जर्नी में जे. क्या उनको ध्यान रखना चाहिए देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस हार्डवर्क से ही सब कुछ मिलेगा आप कितना भी uh, मतलब गलत तरीका आजमा लिया आपको कुछ नहीं मिलने वाला है आपको दस घंटे काम करना ही पड़ेगा बारह घंटे काम करना पड़ेगा पढ़ाई में हो या अपने स्पोर्ट्स फील्ड में हो आप अगर ड्रॉप शॉर्ट सौ बार सीख रहे हैं तो देखिए आपके अपोनेंट हजार बार कर रहा होगा वो तो हरेक कोई जो बेस्ट बनना चाहता है उसी चीज को बारी बारी करते रहेगा आपको जरूर सपने देखने चाहिए बिलीफ रखना चाहिए क्योंकि जब मैं आठ नौ साल की थी मुझे पता नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा या मैं बेस्ट बनूंगी या नहीं लेकिन एक चीज दिमाग में जरूर रहती थी जब मैं पापा के हाथ स्कूटर में जाती थी काश मेरा भी बड़ा घर हो मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो मेरे पास भी सब कुछ हो जो नॉर्मली एक यू नो फेमस पर्सन के पास होता है बिलीफ रखिए सपने जरूर देखिए क्योंकि पॉसिबल होते हैं आज मेरे पास बड़ा घर है मेरे पास गाड़ी भी है आई कैन प्राउडली से पापा ने इतने साल एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रह के जो उन्होंने सेक्रीफाइस करके जो मेरे, मेरे को दिया है लेकिन आज जो मैंने कमाया है इतनी सी उम्र में उसे ज्यादा कमाया है ओनली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं ये बोलूंगी स्पोर्ट्स पर्सन बनिए पढ़ाई तो सब लोग करते हैं right. इतने सारे इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं साइंटिस्ट हैं हमारे पास लेकिन आपको जो स्पोर्ट्स पर्सन बन के बन जो मिलता है आई थिंक बहुत कम लोगों को उतना फेम उतना एक जो अटैचमेंट हो जाता है ना एक नॉर्मल नौ, लोगों के साथ देखिए कि आज कितने लोग विराट बनना चाहते हैं या रोहित शर्मा बनना चाहते हैं या रॉजर फेडर बनना चाहते हैं क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन एक अलग ही कनेक्शन बना लेता है ऑडियंस के साथ है ना तो वो मैं इसलिए उनके साथ थोड़ा ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन के साइड हूँ मैं लेकिन किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहिए जाए ज़रूर जाए एक चीज़ माइंड में रखिए कि मुझे बेस्ट बनना है मुझे मुझे वो सब कुछ करना है जो पॉसिबल मैं कर सकता हूं आठ नौ साल में ऑब्वियसली बाय द टाइम यू आर एटीन नाइनटीन यू विल अंडरस्टैंड वॉट यूड लू बट इनिशियली सब कुछ ट्राई करो खेलने भी जाओ पढ़ाई भी अच्छा करो कीप योर सेल्फ फिट अच्छा खाना खाओ बिकॉज इनिशियली तो खाना आपको नहीं मालूम पड़ेगा कुछ भी खा सकते हैं आप बीस पच्चीस तक तो कुछ इशू नहीं है बट आफ्टर थर्टी थर्टी फाइव यू रियलाइज क्या गलत है क्या सही है तो उससे पहले ही अगर आपने अपना लाइफ थोड़ा बेटर रखा तो आई एम श्योर योर लाइफ विल बी मच मोर इजियर नहीं तो हॉस्पिटल इज ऑलवेज वेटिंग फॉर अस पेट के इश्यूज जैसे मुझे खुद भी मैंने देखा है काफ़ी टूर्नामेंट्स के लिए हम ट्रैवल करते हैं काफ़ी पेट यू you नो know, खाना बाहर का खाते हैं तो पेट इश्यूज काफ़ी रहते हैं हमें तो मैं यही बोल सकती हूँ कि आजकल के आज बच्चों के कि जितना भी हो सके बाहर जाके खेलिए फोन पे टाइम कम स्पेंड कीजिए वो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा टाइम कब जा रहा है एन्जॉय योर टाइम प्लेइंग आउटसाइड थोड़ा अच्छा खाइए कम जंक खाइए हैव इट ट्वाइस अ वीक आई एम नॉट से नो बट उतना ही वर्कआउट भी जरूर कीजिए बिकॉज दैट विल कीप यू फिट अच्छी नींद भी आती है उसके बाद सिर्फ खाना खा के नींद तो ऐसा तो मुझे तो आज तक नहीं आई है बट जस्ट मेक श्योर अगर रनिंग नहीं होती है तो वेट ट्रेनिंग थोड़ा बहुत कर लीजिए वेट ट्रेनिंग नहीं होती है तो योगा कर लीजिए योगा नहीं होता तो डांस कर लीजिए एनी थिंग विच विल कीप यू फिट एंड हैप्पी एंड मतलब यू विल फर्गेट योर स्ट्रेस फॉर सम टाइम नहीं तो स्ट्रेस तो किसी भी आई थिंक आजकल के बच्चे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में भी काफी स्ट्रेस है सबको स्ट्रेस होने लगा है आजकल बट अगर आप वो जितना भी टाइम हो बाहर जाके बच्चों के साथ खेलेंगे या पेरेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ खेल लीजिए कैरम खेल लीजिए चेस खेल लीजिए वीडियो गेम खेल लीजिए मैं खुद खेलती थी मेरी मम्मी के साथ वीडियो गेम मैं उनके साथ खेलती थी बैडमिंटन इनिशियली जब मैंने खेलना शुरू किया था

गेट रेडी फॉर द रेपिड फायर विद साइन आप अर्ली बर्ड है या नाइट आउल तो नहीं हूँ दस ग्यारह नींद आती है तो मॉर्निंग भी इंडियन डिश जो आपको घर से दूर रहने के बाद सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है जिसकी आलू पराठा इज माई फेवरेट अगर आप किसी और स्पॉर्ट में बढ़िया होना चाहते तो कौन सा होता टेनिस आई लव वॉचिंग टेनिस और इंडियन प्लेयर्स के बीच में तीन मेजर स्ट्रेंथ और तीन मेजर वीकनेसेस क्या लगती हैं? तीन एक दो जो भी हो सो स्ट्रेंथ चाइनीज प्लेयर्स के आई वुड से लॉर्ड ऑफ हार्डवर्क लॉर्ड ऑफ हार्डवर्क दे किलम सेल्व टू बी देशनीज एंड कोरियंस उतने दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन दैट वे फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रांग क्योंकि उनका बॉडी भी स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे आर नेचुरली क्वाइट स्ट्रांग इंडियंस का बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना उनका नेचुरली रहता है तो वी हैव टू मेक आर सेल्फ सो स्ट्रांग दैट हम उस उस तरह के प्लेयर्स बन सके हमको बहुत वेट ट्रेनिंग बहुत पुश करना पड़ता है टू मेक बिग बिग मसल्स और उनको वो नेचुरली रहता है तो आई कैन से चाइनीज कोरियंस को नेचुरली बॉडी बहुत स्ट्रांग रहता है उनका खाना बहुत अच्छा रहता है खाना इज वेरी वेरी गुड हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं हमारे पास काफी अच्छे स्किल्स हैं हमें बस अपने आप को बॉडीली स्ट्रांग करना पड़ता है और मसल्स बनाने पड़ते हैं टू पुश इन द ट्रेनिंग जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है जहाँ पे रनिंग करना है शेडोज करना है एजिलिटी करना है इसके लिए हमें अपने आप को पुश करता है बट हम वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वी आर आई कैन से वी रैली ऑल्सो वेरी वेरी गुड हमारे रैलीज जो होते हैं ना हम अच्छा रैलीज कर लेते हैं बट दे आर फिज़िकली दे दे आर मच मच मोर के उस चीज़ पे वो हमें थोड़ा बीट कर देते हैं क्योंकि वो स्पीड भी बहुत जल्द फास्ट लेके आते हैं अलोंग विद दी दैलीज बट हमारे क्या रैली और स्किल्स और टैलेंट तो है ही बट हमें और अपना जो स्पीड रहता है ना उसको इम्प्रूव करना पड़ता है और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत इंप्रूव करना पड़ता है जी कोई ऐसी किताब या मूवी जिसे देख कर के आप पे बहुत इंपेक्ट आया हो जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया किताबें तो मैं नहीं पढ़ती हूँ सर आ, बट मूवी जरूर देखती हूँ मैं और जब ऑलरेडी इतना कुछ मुझे सीखने से सीखने को मिलता है पेरेंट्स और मुझे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है मुझे पता है कैसा एक प्लेयर बना जाता है और कितना आप खुद जो आप फील करते हैं ना वही आप मूवी में देखते हैं लेकिन फिर भी मूवी में कमी होता है इट्स नॉट लाइक इक्वल टू वॉट वी हैव फेस्ड ए स्पोर्ट्स पर्सन बट मुझे चकदे वाज वॉज रियली गुड बट आई थिंक वो लेकिन बारी बारी देखने वाली मूवीज जो है ना वो आई थिंक लोग हमारे मैचेस देख ले तो भी काफी है लेकिन लर्न अलॉट मोर फ्रॉम दैट ऐसा कोई मूवी देख के लाइफ एक्सपीरियंस इतना रिच है कि उसी में इतने सारे अनुभव और लेसन मिले आपको जी जी बैडमिंटन ने आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन क्या सिखाया है ऑब्वियसली उस टाइम जो और ज़्यादा इमोशंस रहते हैं क्योंकि आप हार रहे हैं जीत रहे हैं हार रहे हैं, जीत रहे हैं लेकिन एक चीज़ जरूर दिखाया है कि कैसे हमें पेशेंस रखना पेशन्स चाहिए किसी भी सिचुएशन में दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प नॉट ओनली इन बैडमिंटन बट आप जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना तो कभी कभी जो आ, लोग आके मिलते हैं आपसे उनको लगता होगा कि शायद ये क्या पागल जैसे लोग हैं क्योंकि कभी हम रिएक्ट करते हैं कभी रिएक्ट नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि वो सीख जाते हैं हम लोग कि कैसे किस सिचुएशन को हैंडल करना है तो जब हम स्पोर्ट्स इतने सालों से खेल चुके हैं तो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना जो फाइट वाइट वो हमें कुछ लगती नहीं है फिर फिर उनको लगता है कि हाउ कम ऐसा ये फील नहीं हो रहा है ये सिचुएशन इतना लाइटली क्यों रह रहे हैं क्योंकि हमें सब फिर लाइट लगने लग जाता है इतना, इतना इंटेंस वहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया है कि दिस इज इस... ये सब चीजें इतनी हमें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है तो लोग सब कभी भी हमें सोचते हैं अब नॉर्मल है क्या ये लोग <laughs> जी अगर आपको किसी भी एथलीट के साथ डिनर करने का मौका मिले डेड और अलाइव तो किसके साथ आप डिनर करना पसंद रॉजर फेडरर ऐसा कौन सा डेली हैबिट है जो आपकी लाइफ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है

कश्यप से गुस्सा आता है मैं गुस्सा भी उन उनको उतार देती हूँ एंड दे नो कि शायद कुछ सिचुएशन है मे बी शीज फीलिंग लिटिल बिट एंड थोड़ा बहुत हंस देते हैं उसके बाद मैं सडनली मेरे को अच्छा लगता है एंड देन आई स्टार्ट लाफिंग तो जितनी भी सिचुएशन है लाइफ में यू कैन जस्ट लेट इट आउट इट्स ओके आपको थोड़ी बहुत सुनने को मिलेगा सुन लीजिए बट आपको हल्का लगेगा एंड देन दैट विल ऑल्सो हेल्प यू कि आपका माइंड क्लियर हो जाए और नेक्स्ट डे आप और बेटर फॉर मी ट्रेनिंग कर सकते हैं बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं मम्मी मुझे नहीं आ रहा है इमिडियटली बोलो डोंट वेस्ट टाइम मम्मी मुझे उनसे क्या शर्माना, you know, things, तो वो आपको सबसे बेटर आपको आ, सिखाने वाले पहले वो होंगे तो उनसे बत बताइए अपने फ्रेंड से बताइए अपने सिस्टर्स से बताइए

स्पोर्ट्स uh, में इतने ज्यादा हैं कि अभी लगता है खेलू हारने के बाद लगता है नहीं खेलू तो सडनली माइंड चेंजेस सो फास्ट तो मोस्ट ऑफ देम आर गिफ्टेड, आई आई विल दैट बिकॉज़ आई कैन सी के वो लॉसेस से जल्दी निकल के आके फिर से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं कुछ वीक दे फील के नहीं आ रहा है कितना करूँ नहीं आ रहा है आउट जा रहा है अंदर नहीं कर पा रही हूँ कोर्ट के तो आई कैन अंडरस्टैंड काफी लोगों का माइंड सेट अलग अलग होता है बट आई कैन डेफिनेटली से जैसे आप सिखा रहे हैं कि कैसे हमें मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए जो आपके इश्यूज हैं उसको लेटेड आउट इट्स वेरी वेरी एक्चुअली इज वेरी ईजी स्ट्रेस में तो मैं भी हूँ ऐसा, uh, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ स्ट्रेस में मैं भी रहूंगी किसी न किसी चीज को लेके बट uh, ऐसा नहीं है कि मैं उसको अंदर ही रख के एंड आई वट आर आई गोइंग टू डू विद इट अंदर रख के तो आई नॉट गोन टू एंजॉय माई लाइफ राइट जो मैंने इतना हार्डवर्क करके जो इतना अच्छा कुछ किया मेरे लाइफ में जो मैंने कमाया है जो भी है अगर मैं वो ही सोफे पे बैठ के सोचते रहूं पूरा कि यार ये रह गया वो रह गया जो जो आपके पास है वो मिस कर रहे हो आप वो सिचुएशन जो आपके पास आपका डॉग है मेरे पास मेरा डॉग है फिर मेरी फैमिली है जो आ, इतने साल से मेरे साथ दे रही है तो मैं इन सब के साथ टाइम स्पेंड करूंगी मैं इनको कहीं ना कहीं लेके जाऊंगी मैं इनको आई मेक श्योर जो कुछ मिस हुआ हो शायद इनके साथ वो टाइम स्पेंड करूंगी और कुछ चीजें मेरे से मिस हो गई हो वो मैं डेफिनेटली इनके साथ सो सकती थी या कुछ मिस तो हुआ है बट आईव ट्राइड माई लेवल बेस्ट आई डोंट रिग्रेट इट मैंने ट्राई किया बट कभी दुख होता है तो फिर आई टॉक टू दैम अबाउट इट बिकॉज इट विल कीप कमिंग इन योर माइंड और जो आप कर रहे हैं सर दिस वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग क्योंकि हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन को तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि एवरी डे वी गो फॉर ट्रेनिंग एवरी डे वी हैव मैचेस तो एवरी डे अवर माइंड विल चेंज एक दिन हमारा ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे साल हम खुश हैं या पूरे साल हम दुखी हैं ऐसा होता ही नहीं है हमारा माइंड कभी भी खुश हो सकता है और कभी भी दुखी हो सकता है तो जैसे आप समझाना चाह रहे हैं एवरी एवरी डे इट हेल्प सो मच दैट हमारा फर्स्ट इफ यू कैन कंट्रोल आर माइंड देन वी कैन कंट्रोल anything. So सो ट्रू क्योंकि अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं किया है ना तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि उन्होंने वो मुझे आज आके बोलते हैं कि साइना काश हम आगे कंटिन्यू कर लेते बैडमिंटन आज बैडमिंटन कितना ऊपर चला गया है तो मैंने कहा जल्दी जल्दी में जो डिसीजन ले लेते हैं ना कभी हम वो भी एक दस बार सोचना चाहिए सिट डाउन रिलैक्स एंड अभी जैसे मैं मैच हारने के बाद ओलंपिक्स का जब मैं हार गई तो मैं बोल सकती थी मुझे नहीं खेलना है नेक्स्ट डे

तो बट अगर आपने वो ही माइंड में लेके बैठोगे जो चीज आपके पास है उसको भी एंजॉय नहीं कर पाओगे और जो नहीं हो सका उसका तो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वो चला गया पास्ट और जो आपका फ्यूचर है उसको आप बेटर कर सकते हैं और जितना आपको मुझे, मैं डेस्टनी में बहुत बिलीव करती हूँ जितना आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा ही और अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल मिलेगा भी नहीं तो ये दो चीजें मैं ध्यान में रखती हूँ क्योंकि ये है मुझे आई फील समवेयर मैं भगवान में बहुत बिलीव रखती हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रू है बट हार्डवर्क के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिल सकता आप घर पे बैठ के कितना भी पूजा कर ले आपको कुछ नहीं मिलेगा एक्शन तो, तो लेना ही पड़े पड़ेगा एक्शन लेना पड़ेगा फिजिकली फिट रहने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा मेंटली फिट रहने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा फिजिकल फिट नहीं है मेंटली तो आप जीरो है आई फील फिजिकल फिटनेस से बहुत मेंटल इफेक्ट होता है दोनों एक दूसरे से जुड़े बहुत ज्यादा होता है अगर आप Uh, मैंने खुद नोटिस किया है विद माई एक्सपीरियंस मैं इतना जंक खा लेती हूं एक दिन कभी कभी मुझे मन करता है मैं पानी पूरी खा लिया मैंने समोसा <laughs> खा लिया मैं आई एम एक्चुअली फीलिंग सैड मैंने इतना क्यों खा लिया मैंने गलत क्यों खाया ये गलत कर दिया वो गलत एक्चुअली आई एम नॉट हैप्पी बट अगर मैं वही अपने आप को फिजिकल मतलब कुछ जाकर इमिडियटली रनिंग करा थर्टी फोर्टी मिनट्स एंड आई पिकअप वे फाइनली ये आई एम हैप्पी नाउ आई कैन स्लीप वेल तो अपने ही आप हम अपने आप के दुश्मन खुद है बेसिकली यू you नो know, हम अपने आप को खुश भी रख सकते हैं बाई डूइंग गुड थिंग्स राइट हम आप अपने को दुखी भी कर सकते हैं बाई थिंग्स विच वी नो आर बैड बट वी स्टिल डू इट राइट वो भी सिचुएशन है हमारे साथ so वो मेरे साथ भी है <laughs> मुझे नहीं खाना है समोसा <laughs> नहीं खाना है बट वो खा के रहेंगे हम yes. हफ्ते में एक या दो बार और वो होगा सिचुएशन की कहीं ना कहीं यू विल फील बैड बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई एम लकी दैट आई आई एम यूज्ड टू लिटिल बिट ऑफ रनिंग रनिंग तो तो जाके थोड़ा कर लिया विल फील गुड बट आई डेफिनेटली सही कि लोगों को हर एक चीज का एक्शन इमिडियटली लेंगे तो दिल भी हैप्पी मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हंड्रेड परसेंट खुश खुश नहीं रह सकते कोई भी ऐसा नहीं है बट आप डेफिनेटली अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और आप सर बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई होप ये हर एक फील्ड में जाए और जो लोग इतने इतने बिजी हैं कुछ टाइम निकाल के मेंटली एंड फिजिकली अपने को थोड़ा बहुत फिट रखें एंड आई एम श्योर दे कैन लिव अ हैप्पी लॉन्ग लाइफ

उनको अपने आप को कैसे शांत रखना है कैसे क्या करना है कैसे पता होगा बट ही डिड दैट राइट तो एटलीस्ट टेक एग्जाम्पल्स ऑफ सम जो इतना कुछ देख चुके हैं राइट right. ना कि जल्दी जल्दी में वो डिसीजन ले ले जो गलत हैं right. तो और उसके लिए आप लोग आए हैं आप लोगों से बात करें ऐसे कितने भी कोर्सेज और हो जो मेंटली आपको हैप्पी रखे फ्रेश रखे जी. वो जरूरी है आई थिंक दे शुड डेफिनेटली फॉलो इट एवरीवन शुड डेफिनेटली फॉलो इट एंड आई एम श्योर Uh, जो भी छोटे मोटे डिसीजंस हैं जो जल्दी में गलत ले लेते हैं हम वो हम सोच समझ के ही करेंगे फिर लवली थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, आइना थैंक यू